और वार्ड नंबर 3 में एक जो बाजार की समस्या है, आपका मुद्दा भी रहा था, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखेंगे ये तो अभी प्रथम धाप है बाजार को, ये लेकर वार्ड नंबर 3 का सर बाजार क्या हो जो बाजार बीच में रोड में है ये सर, इसको लेकर गुरुम बस्ती 3 नंबर वार्ड के वार्ड काउंसिलर रामभजन महतो जी का चुनावी मुद्दा सब्जी बाजार का स्थानांतरण मुख्य सड़क से सब्जी बाजार को अलग हटाने के विषय में उन्होंने क्या कहा? नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। सिलीगुड़ी गुरुम बस्ती 3 नंबर वार्ड के महानंदा के किनारे लोहार पट्टी का अंतिम छोर पे सार्वजनिक सुलभ शौचालय भुगतान करके उपयोग करें, पे एंड यूज अर्थात पैसा दे करके इस्तेमाल करें। पूर्व शौचालय को ही पुनः निर्माण किया गया SMC के सौजन्य से 8,25,232 रुपया का लागत से। इसके उद्घाटन 18 दिसंबर 2023 के दिन सोमवार मेयर गौतम देव, उप मेयर रंजन सरकार के अलावा 3 नंबर वार्ड के वार्ड काउंसिलर रामभजन महतो जी के साथ तमाम पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार के माध्यम से किए गए सवाल सब्जी बाजार के स्थानांतरण के विषय में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आप सबका दिन शुभ हो, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलघाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। क्या कहेंगे, आज टॉयलेट का उद्घाटन हुआ और वार्ड को लेकर आप लोगों के मोहल्ले में जो स्थिति, उद्घाटन हुआ तो बहुत जरूरी था, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन इससे पहले यहाँ का हिस्ट्री थोड़ा बता दें। एक समय ऐसा था जब यहाँ पे पैर रखने का जगह नहीं था। लगभग 2016 से पहले कोई यहाँ से जा नहीं सकता था ब्रिज के ऊपर। यहाँ पर लोग खुलेआम टॉयलेट करते थे, जिसका गंदगी के कारण ब्रिज तक पूरा गंद जाता था। बाद में यहाँ के लड़के, कुछ छोटे छोटे बच्चे सब मिलकर यहाँ सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ड्यूटी करते थे। कितने लोगों से झगड़ा हुआ, गाली सुने, कितने लोगों से मार हुआ, कुछ झूठे आरोप भी लगे, वो सबसे लड़ते लड़ते बाद में जो कंट्रोल में आया धीरे धीरे, गिट्टी माफिया, बालू माफिया, ये लोग खुलेआम यहाँ से गिट्टी उठाते थे, बालू उठाते थे, ये ग्राउंड था ही नहीं। बाद में वो बच्चे लड़ लड़के किसी तरह दिन रात ड्यूटी करके ठंड का मौसम में सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक यहाँ बैठते थे, अपना काम धंधा छोड़ के। तो उस कारण से आज ये ग्राउंड रखने, खड़ा रहने लायक और यहाँ पे चलने लायक हुआ है। चूँकि 5 बार ये कॉरपोरेशन में रह चुके हैं, उप मेयर भी रहे, क्या किया इन्होंने वार्ड के लिए? पहले तो इससे पहले जो मेयर, जो लोग लड़के लोग हैं वो लोग भी सफाई करते हैं, सफाई करके जमा करते हैं। कॉरपोरेशन के लोग भी आते हैं, वो लोग भी सफाई करते हैं, मिलजुल कर हम लोग करते हैं। और अभी सबसे बड़ा समस्या है कि दिन में यहाँ से कुछ बाहरी लोग आकर खुलेआम वो दूसरा वार्ड से आकर जुआ खेलते हैं, रात को खुलेआम यहाँ टॉयलेट करते हैं। कॉरपोरेशन के इस बारे में बताया कि आप लोग जी कॉरपोरेशन के बारे में बताया कि आप लोग, हाँ बोले हम लोगों ने, हमारे मेयर काउंसिलर साहब को बोले हैं, वो बोले हैं ठीक है, इस मैटर पर देख रहे हैं। और रात को अंधकार के कारण हम लोग तो दिन में ड्यूटी करते हैं, शाम तक रहते हैं, किसी को बैठने नहीं देते टॉयलेट के लिए, पर अंधकार में आकर कुछ लोग आकर जैसे 12 बजे 1 बजे 2 बजे टॉयलेट करके चले जाते हैं। आपका नाम? नाम मेरा नाम पप्पू यादव, हम यहाँ का लोकल बासिंदा है। हाँ, बाजार को ये लेकर वार्ड नंबर 3 का सर, बाजार क्या जो बाजार बीच में रोड में है ये सर, इसको लेकर रोड तो हटने के लिए है, चलने के लिए बाजार बाजार का जाए। हाँ, आज का क्या? आज यहाँ पे पहले एक टॉयलेट था जो पुरानी व्यवस्था का हिसाब से चलती थी। अभी सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्तमान पूरा सिलीगुड़ी में विभिन्न जगहों पर प्रत्येक वार्ड में इस तरह से कम्युनिटी टॉयलेट बना रहे हैं। लेकिन जो अभी जो समय है, जो इसको रख रखाव जिस तरह से होना चाहिए था पहले नहीं होती थी, अभी इस टॉयलेट को हो जाने से यहाँ पे आदमी रहेंगे जो इसका देख रख रखाव करेंगे, जो लोग आएंगे उसको मिनिमम जो चार्ज है वो देना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रिक का चार्ज हो या साफ़ सफाई हो, और यहाँ पे जो स्वीपर रहेंगे उनका महीना का मेंटेनेंस हो सके। सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सिर्फ यह 3 नंबर वार्ड में ही नहीं, विभिन्न जगहों पर, विभिन्न वार्डों में इस तरह से अनेक टॉयलेट बना रही है और चाह रही है कि सिलीगुड़ी का परिवेश दूषण मुक्त रहे, स्वच्छ रहे, ताकि यहाँ आसपास के लोग जो लोग हैं वह स्वस्थ रह सकें। लगभग हर वार्डों में टॉयलेट की व्यवस्था का तो स्थिति बड़ी भयानक है। वो जो आप देखेंगे बहुत जगह पे टूटी हुई है, पुराना, बहुत पुराना हो चुका है, वो सब जगह पे हम लोग चाहते हैं कि नदी में कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति स्वच्छ करने ना जाए, जिसका आप देखेंगे कि ताज़ा उदाहरण है कि जहाँ पे हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं और यह टॉयलेट का जहाँ निर्माण हुआ है, इसके आसपास का परिवेश
आज से 5-7 साल 10 साल पहले क्या था और अभी यहाँ का परिवेश कैसा है ये आपके नज़रों से? एजेंसी द्वारा क्या यहाँ पर मेंटेनेंस यहाँ पर एजेंसी को दिया गया है पर पूरे सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जितने भी असर है वो एजेंसी के एजेंसी को इसलिए दिया गया है ताकि इस टॉयलेट का मेंटेनेंस हो सके। और वार्ड नंबर 3 में एक जो बाजार की समस्या है आपका मुद्दा भी रहा था उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखेंगे ये तो अभी प्रथम धाप में अब देखेंगे जो किस तरह से हमारा बाजार का समस्या हो और विभिन्न सारा रास्ता का समस्या है वो किस तरह से हम लोग समाधान कर रहे हैं। माननीय मेयर साहब चाह रहे हैं कि सिलीगुड़ी का एक नए चेहरा देने का कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम लोग सभी का यहाँ के नागरिकों का सहयोगता की जरूरत। कुछ लोगों का कहना है स्थानीय लोग ये ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों लोग साफ सफाई किए हैं उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आया है। ना ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर तो जो साफ सफाई बच्चे लोग यहाँ के खासकर जो बच्चे लोगों का भी योगदान है, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों का अंदर ये तो भावना है कि हम जिस परिवेश में रहेंगे हमारा मकान जहाँ पे है उसके आसपास के इलाका को स्वच्छ किस तरह से रखा जाए, साफ सफाई किस तरह से किया जाए, ये अच्छी बात है। मैं उस लड़के को जो लोग इसमें योगदान दिए